जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से एक कलर से अपने डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बनने के बाद ये डिज़ाइन हमारा बहुत प्यारा लगता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसमें 4 के मल्टीपल में फंदे डालते हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा डालते हैं, तो कुल मैंने इसमें 26 फंदे डाले। 4 के मल्टीपल में हमारे 24 फंदे हो गए और 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हो गए, तो इसमें 26 फंदे। ये डिज़ाइन हमारा 2 लाइनों का डिज़ाइन है, जो हमारा सीधी और उल्टी सिलाई में बनता है, तो हमारे 2 लाइनों का डिज़ाइन है। तो चलो हम इसे बनाते हैं। बनाने के लिए शुरू में हम पहले फंदे को एज स्टिच के रूप में उतार लेते हैं। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। इसलिए मैंने इस फंदे को उतार लिया है। उसके बाद अगले फंदे को हम आगे से ना बना के इस तरह से पीछे से बनाते हैं। इस तरह से पीछे से अपने सिलाई में से अपने फंदे को एक फंदा बना लेते हैं। और एक फंदा बनाने के बाद अपनी सिलाई में से अपने इस फंदे को हम छोड़ते नहीं हैं, और इस फंदे के साथ हम इसमें एक दूसरा फंदा और पीछे से ले लेते हैं। तो अब इन दोनों में से हम एक फंदा बनाते हैं, तो हमारे 2 फंदे हो गए। अब इन 2 फंदों को भी हम नहीं छोड़ते हैं, इन 2 फंदों के साथ अपने पीछे से एक फंदा और ले लेते हैं, तो कुल हमारे 3 फंदे हो गए। 3 में से हम एक फंदा बना लेते हैं, तो हमारे 3 के 3 फंदे हो गए। अब इन 3 फंदों को भी नहीं छोड़ते हम, इसके साथ हम एक फंदा और ले लेते हैं, तो हमारे अभी 4 फंदे हो गए। 4 में से हम एक फंदा बना लेते हैं, तो कुल हमारे 4 के 4 फंदे हो गए। और अपनी सिलाई में सब इन फंदों को हम छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता है। इस तरह से आगे के सभी 4 फंदों में इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। पहले फंदे को हम बनाते हैं पीछे से, फिर इसके साथ हम अपने दूसरे फंदे को लेते हैं, फिर इन दोनों फंदों में से एक फंदा बनाते हैं, फिर इन 2 फंदों को छोड़ते नहीं है, फिर आगे तीसरा फंदा इसके साथ ले लेते हैं, तो इन 3 में से हम एक फंदा बनाते हैं, फिर इसके बाद इसमें आगे से एक फंदा और ले लेते हैं, तो ये 4। इस तरह से 4 में से हम 4 बार फंदे बनाते हैं, लेकिन एक साथ ना करके पहले एक में बनाते हैं, फिर 2 में, फिर 3 में, और लास्ट में 4 में से हम 4 फंदे बनाते हैं। इस तरह हमारे 4 में से 4 फंदे बन गए। 4 फंदों को हम छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारे डिजाइन की फर्स्ट सिलाई कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट रो हम कंप्लीट करते हैं। पहला फंदा बनाया, फिर आगे के 2 फंदों में से हम दूसरा फंदा बनाते हैं, फिर आगे के 3 फंदों में से हम तीसरा फंदा बनाते हैं, फिर आगे के 4 में से हम 4 में से हम 4 फंदे बनाते हैं। इस तरह हमारे ये 4 में से 4 फंदे बनते हैं। फिर इन 4 फंदों को हम छोड़ देते हैं। इस तरह से हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करते हैं। अब लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेते हैं और अपने डिजाइन की फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होती है। अपने डिजाइन के हम सेकंड रो में आ गए। सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी निकलती है, तो मैं सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। पहला फंदा मैंने उतारा, आगे के सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। इस तरह मैं अपने डिजाइन की सेकेंड रो कम्प्लीट करती हूँ। डिजाइन की सेकंड रो रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी निकाल ली है, तो हमारे डिजाइन की 2 रो कंप्लीट हो गई है। हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड रो में हम अपने डिजाइन को शिफ्ट करेंगे। तो शुरू में हमने चार फंदों में बनाई थी। अब शुरू के 2 फंदे हम छोड़ देंगे और बीच के 4 फंदे बनाए। तो पहला फंदा मैं उतारती हूँ,
आगे के दो फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ, उसके बाद आगे के चार फंदों में अपनी डिजाइन बनाऊंगी जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी। पहले फंदे को मैं पीछे से बनाती हूँ, फिर अपने दो फंदों को एक साथ बनाते हैं, फिर दूसरा फंदा बनाते हैं, फिर तीसरे फंदे को लेते हैं हम, तीसरा फंदा बनाते हैं, फिर चौथे फंदे को लेते हैं हम, और फिर चारों में से चौथा फंदा बनाते हैं और अपने फंदे को हम छोड़ देते हैं। जिस तरह से हमारी फर्स्ट रो बनी थी उसी तरह से हमारी थर्ड रो बनेगी। इस तरह से हम अपनी ये थर्ड रो भी कंप्लीट करते हैं। इससे हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अपने डिज़ाइन के हम फोर्थ रो में आगे जो हमारे रोंग साइड से है जो पूरी उल्टी निकलेगी, पहला फंदा मैं उतारती हूँ और सभी फंदों को मैं उल्टा बना के अपनी फोर्थ रो को भी कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारे डिज़ाइनों की फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। इन फोर्थ रो को ही हम रिपीट करते हुए अपने डिज़ाइन को बनाते हैं। इस तरह इन फोर्थ सिलाइयों को रिपीट करते हुए अपने डिज़ाइन को बनाते हैं। बनने के बाद हमारी डिज़ाइन बड़ी प्यारी लगती है। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।